एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, बाहर का व्यू जो है वो बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छा लग रहा है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो लो जी, एक और पार्सल आ गया और हम कर रहे थे, अपने अपने काम में बिजी हैं क्योंकि आज से बच्चों के एग्ज़ाम लग गए हैं और बच्चों को जो है वो पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल लगते नहीं हैं, क्लासेस ऑनलाइन लगती है, लेकिन उसके बाद खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स नहीं देखेंगे तो बच्चे याद कैसे करेंगे। और हम बैठे थे अंदर तो उतने में आ गया पार्सल, हमें नहीं था पता कौन आया। जब बेल बजी तो हमें बाहर जाके पता चला कि हमारा पार्सल आया है और ये आया है पार्सल, तो अंदर क्या है वो देखती हूँ अभी। तो गाइस, घर में बच्चों ने इतना कचरा डाला होता है कि क्या बताऊं। मैंने बताया था कि मैंने सोफ़े के ऊपर बेड शीट्स लगाई हुई हैं क्योंकि बच्चे सारे से आते हैं और ऐसे नाचते हैं, फिर ऊपर उछलते रहते हैं। तो क्या बताऊं, फिर मैंने यहाँ पे बेड शीट्स लगा दी ताकि जब तक कवर नहीं लेती हूँ तब तक ऐसे ही इन्हें बिछा देती हूँ। तो अब सारा सामान जो है वो उठाना पड़ेगा, फिर करती हूँ सेटिंग। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्योंकि ये आने थे पूरे 20 पीस, 2 सेट मंगवाए थे मैंने, तो एक सेट में से 3 पीस जो थे वो पहले से ही कटे हुए थे, पर मैंने रिटर्न नहीं किए कि अब बार बार कौन लेता रहे। कुछ समझ में ना आए कि इन्हें कैसे लगाऊँ। फिर लास्ट में मैंने छोटे वाले सोफ़े की बैक साइड में जो 3 पीस थे वो लटका दिए। बस फटाफट से फिर मैंने इनकी सेटिंग कर ली। श्रृंगू जो है वो मेरे साथ हेल्प करता रहा। मैं काफ़ी टाइम तक इनके साथ लगी रही। इनकी सेटिंग करने के लिए मैंने जो 10 पीस थे उन्हें 5-5 करके काट लिया और फिर मैंने 3 पीस एक साइड को बैक साइड में लटका दिए और 7 पीस सामने को लटका दिए। तो जो एक्स्ट्रा मैं लटक रहा था फिर वो कवर मैंने वैसे ही सोफ़े के पीछे को सेट कर दिया ताकि जो है वो ऐसे ही काट कर ये बेच जाएगा तो पीछे से ढका रहेगा तो डस्ट नहीं पड़ेगी। बच्चे अंदर ही अंदर रहकर परेशान हो गए हैं और हमें एक काम भी था, सामने जो रोड दिखाती हूँ वहाँ तक हमें पैदल जाना था, तो बस फिर हम चल पड़े। पत्ते खींच रहे हैं वो कौन सा कीड़ा दिख रहा तुम्हारे को? पत्ते के, पत्ते के पीछे देखो वो जरा पत्ते की तरह है। कहाँ मुझे नहीं दिख रहा, वो देखो वो जा रहे हैं। बच्चों ने देख लिया था एक छोटा सा हरा कीड़ा और मुझे दिखाएं तो पहले मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और बाद में मैंने देखा तो बस फिर उन्हें नई नई चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ रास्ते में नए से नए घर बन गए हैं, पहले ये वाला सामने वाला घर भी यहाँ नहीं होता था और अभी लॉकडाउन के दौरान ये घर बना है, जो इसके आगे है वो भी इस बार ही बना है। तो लॉकडाउन में पता नहीं कितने सारे नए घर बने हैं और ये जाता है यहाँ से रास्ता सतलुज के लिए, नीचे जो पुल है वहाँ तक ये रास्ता जाता है। यहाँ से सामने को जाते हैं लोग, तो बहुत से लोग जो हैं वो सब्जी बेचने भी आते हैं यहाँ से। सामने लगे हैं अंजीर, दोगले बोलते इनको, खाना देने कच्चे हैं पर अभी ये पूरे नहीं पके हैं। ये रहा सामने अंजीर, फिक्स का पेड़ और हम जो है इसे लोकल भाषा में दोगले बोलते हैं। कच्चे हैं ये, अभी पूरी तरह से नहीं पके हैं, खाने लायक नहीं है। तो ये जो पेड़ है ये भी फिक्स की तरह ही हैं पर ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और हम इन्हें त्रैंबल कहते थे, तो बचपन में हमने बहुत खाए हैं ये है? चलो अब तुम आगे चलो, गर्मी लग रही है, मैं कमरे में मास्क मत खोलना यार रास्ते में, चलते जाओ। तेरे मास्क कहाँ है? दीदी खोल लेना। हाँ
लगे हैं। हाँ ये कच्चे हैं अभी। कहाँ वो फीडियों पे? हाँ हाँ चलो चिड़ी येल्लो येल्लो दिख रहा है। हाँ अभी हम आ जाएं। आराम से चलना कि डॉगी ना हो किसी घर में। तो सामने रोड यहाँ से कितना नज़दीक दिख रहा है, हम काफ़ी नीचे उतर कर आ गए हैं और यहाँ से पक्का रास्ता है नीचे तक, उसके आगे है पुल और उस पुल के ज़रिए सामने को जाते हैं। ये सामने जिस तरह से पत्थर लगे हुए हैं तो लगभग हर जगह ऐसे ही पत्थरों के साथ टंगे लगाए गए हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, नहीं तो ज़मीन नीचे से नीचे गिरती रहती है और जिन्होंने भी खेत घर कुछ भी बनाना हो तो उन्हें इस तरह से टंगे लगाने पड़ते हैं। और गाइस सामने देखिए लग रखा है घास, तो सर्दियों के लिए जो है ये लोग और गर्मियों के लिए इस तरह से घास को काट कर रख लेते हैं और इसे ये घासनी बोलते हैं। तो इस तरह से घास को थोड़े थोड़े ढेरों में बांध कर रख दिया जाता है और जब बारिशें होती है तो फिर गाय को यहाँ से निकाल कर डाल दिया जाता है। रिंगी धीरे, डॉगी भी हो सकता है आगे। हाँ चलो मास्क सुनिए, मास्क है देखो अखरोट का कितना बड़ा प्लांट है। तो यहाँ पहुंचकर हमारी बस हो गई थी और फिर हम रुक गए कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे। टांगे ऐसे कांपे कि जैसे पता नहीं कितने थक गए हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो बस वजह यही है फिर हम रुक गए कि आगे नहीं जाएंगे और यहीं इंतज़ार करते हैं। वहाँ धूप लगेगी बच्चू। हाँ तो धूप लगेगी। गाल देखो श्रींगू के कितने अच्छे हो गए लाल, और कैसा लग रहा है आज हवा में घूम के श्रींगू को? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चली है, मजे आ रहे हैं। क्या हुआ श्रिंगू? बोलो बच्चे, दोनों पैर इकट्ठे उतारने होते नीचे। सामने वो पहाड़ है जो मैं रोज दिखाती हूँ वीडियो में, और आज हम कितने नजदीक हैं तो कितने सारे सफेदे के पौधे लगे हैं यहाँ सामने टावर के नीचे, और सब हरा भरा है यहाँ पे। पानी की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है नीचे सतलुज के, और नीचे जाने की श्रिंगू हमारी हिम्मत नहीं हुई है ना, हम थक गए और वापस आ गए। आधे वो कितने देर तक रहेंगे? मैं सारे में सो सो के आया। ये लो, ये भी श्री सारे में क्यों सो रहा था मुझे ये बता। फिर श्री कितनी गर्मी लगी, मत गौरी तंग कर इसको। क्या हो रहा है? कहाँ गया वो? फेंक दिया था मैंने वो, ये मतलब पॉइजन है ये? नहीं है पॉइजन। चलो 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 पापा चले गए।
फिर कौन लाएगा इसको? आप। यार यहाँ गंदा है भैंका वो बड़ा भारी। हाँ ठीक है, दूर है वो, पाँच दिन पहुँच चुके हैं। पहुँच जाओगे आप? खाई लेना भाई। हाँ बिच्छू गोटियों से बचना, ढंग से पकड़ना, नीचे मत गिराना। क्या हुआ? पापा ने कहा वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे दीदी दूध वाले पत्ते निकाल दे मैंने। कम ऑन मामा जी, यू कैन डू दिस। तो मेरे बच्चे को फ्रूट खाने थे और मुझे ज़बरदस्ती भेज रहा था कि मम्मा जी जाओ आप और लेकर आओ, तो फिर मुझे जाना ही पड़ा कि जाती हूँ और बीच में लग गए इतने सारे बिच्छू। तो गाइस बच्चों के लिए इतना कर तो बन ही जाता है, और आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएँ। कच्चा हुआ तो फेंक देना। अरे वाह दीदी, ये देखो आपसे एक मिनट आपको कम से कम डाल रहा हूँ। मुझे बताया तो दो तीन लाई है ना, चार लाई। मिल गए।